हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था हमारा चैप्टर जो था कॉस्ट शीट का, राइट? सो वी कंप्लीटेड विद द कॉस्ट शीट चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, राइट? और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज कॉस्ट बुक कीपिंग, right? Now before starting this chapter, I will again remind you that it is before this chapter, before doing this chapter, it is very, very important that you should have the clear conceptual clarity about the three very important chapters, that is material, labor and overhead. तो ये तीन चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको कॉस्ट शीट समझ आएगी, राइट? तभी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम समझ आएंगे, राइट? सो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, स्टार्टिंग में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए थे जो थे हमारे पास मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। क्लियर है? तो वो तीन चैप्टर्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर डूइंग दिस वीडियो, जस्ट गो थ्रू द वीडियोज ऑफ मटेरियल, लेबर, कॉस्टिंग। दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स और वी कैन से कॉस्ट बुक कीपिंग। सर क्या चीज़ है ये? सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि सर क्या चीज़ है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? तो इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि सर इस चैप्टर में है क्या, राइट? इससे मतलब क्या है हमारे पास और इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, राइट? चलो जी, अब सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स की बात करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अब जब भी वर्ड ये अकाउंटिंग आएगा तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि सर हमने प्लस वन प्लस टू में पढ़ा था अकाउंट्स, वहाँ पे हमने क्या किया था, अकाउंटिंग। सर अकाउंटेंट से अकाउंटिंग वर्ड जब भी आता है तो हमें बड़ी चीज़ें दिमाग में आती हैं। सर क्या आता है? वेरियस लेजर अकाउंट्स। सर बिल्कुल ठीक है, राइट? फिर हमारे माइंड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट। सर बिल्कुल आता है। फिर हमारे माइंड में आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? फिर हमारे माइंड में आता है सर बैलेंस शीट। बिल्कुल ठीक है जी, बैलेंस शीट आ गई। उसके बाद हमारे पास और क्या आता है माइंड में हमारे पास? ट्रायल बैलेंस। सर ये सब हमने स्कूल लेवल पे हमने पढ़ लिया, सीपीटी लेवल पे पढ़ लिया, स्कूल लेवल पे पढ़ लिया। अगर जब भी हम एक वर्ड सुनते हैं अकाउंटिंग, तो हमारे माइंड में ये चीज़ें स्ट्राइक करती हैं। सर वेरियस लेजर अकाउंट्स होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा, बैलेंस शीट होगी, ट्रायल बैलेंस होगा। तो ये सब एक अकाउंटिंग का पार्ट है, राइट? तो इन सब चीज़ों को जब हमने ज्वाइन किया तो हम इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स, राइट? क्यों? क्योंकि ये किसी भी कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड है। सभी ट्रांजैक्शंस में कुछ ना कुछ पैसा जा रहा है, कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्लियर है जी इतना? अब हमारे पास क्या आया कि जहां पर बड़ी फैक्ट्रीज हैं, राइट, इन द बिग यूनिट्स वेयर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर वेरी लार्ज, या एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेसेस में से जा रहा है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो उन्होंने बोला कॉस्ट अकाउंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, जब आपने प्लस वन प्लस टू लेवल तक पढ़ा, कि हमने कहा कि कोई भी अगर किसी भी कंपनी की बात करें हम, सपोज एक एक्स लिमिटेड है, राइट? तो एक्स लिमिटेड ने जब बनानी है तो हम बात करते हैं उसकी फाइनेंशियल बुक्स की, फाइनेंशियल अकाउंट्स की, या फाइनेंशियल बुक्स की, राइट? लेकिन इसी के पैरेलल, एक्स लिमिटेड के पैरेलल एक और कंपनी है वाई लिमिटेड। ये जो वाई लिमिटेड है ये दो तरह की बुक्स मेंटेन करती है, ये सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स नहीं मेंटेन करती, ये क्या करती है, एक तो मेंटेन करती है कॉस्ट बुक्स, राइट? एक मेंटेन करती है फाइनेंशियल बुक्स। अब आप कहोगे सर कॉस्ट भी तो फाइनेंशियल बुक्स का ही पार्ट है। सर बिल्कुल पार्ट है, जो कॉस्ट बुक्स हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं वो अल्टीमेटली जाकर फाइनेंशियल बुक्स में ही मर्ज होंगी, लेकिन
कॉस्ट बुक्स क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें कॉस्टिंग पता चले, हमें क्लैरिटी हो. सर ये कॉस्ट बुक क्यों प्रिपेयर करते हैं? सर कॉस्ट बुक हम वहाँ प्रिपेयर करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, या हमारे पास ये जो नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, जो नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, या एक ही मटेरियल के जो नंबर ऑफ प्रोसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, राइट? सर ये कॉस्ट बुक्स क्यों मेंटेन की गई? कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल बुक से हमें नहीं क्लैरिटी होगी कि जो हमने कॉस्टिंग की है हमारे मटेरियल की, चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो फिनिश्ड गुड्स है, क्या वो सही की है या नहीं. कॉस्ट बुक्स का फ़ायदा क्या है? कॉस्ट बुक से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमने कॉस्टिंग की रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, हमने मटेरियल लिया उसकी हमने कॉस्टिंग की प्रॉपर. फाइनेंशियल बुक्स में हम कभी भी प्रॉपर कॉस्टिंग नहीं करते, राइट? हमने तो एक वैल्यू ले ली उसकी, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने उसकी परचेज वैल्यू ले ली, क्लियर है जी? लेकिन कॉस्ट बुक्स में हम उसी वैल्यू की पूरी बाइफरकेशन करके दिखाएंगे कि सर परचेज वैल्यू में आगे क्या कुछ कॉस्ट इंक्लूडेड है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम फाइनेंशियल बुक्स में कॉस्ट का एलिमेंट दिखाते हैं उसका डिटेल्ड फॉर्मेट जो है दैट इज द कॉस्ट बुक कीपिंग. तो क्या है, जहां पर बड़े यूनिट्स हैं, जहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, या नंबर ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है, या नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा है किसी भी प्रोडक्ट के, तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर दो सेट ऑफ बुक्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वन इज द कॉस्ट बुक्स एंड द अदर इज फाइनेंशियल बुक्स. लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो हमारी कॉस्ट बुक्स है वो हमारी फाइनेंशियल बुक्स में जाकर ही मर्ज होंगी, राइट? क्लियर है जी, इतना क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि जब अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे मन में ये चीज़ें आती हैं, राइट? तो इनको हमने कहा फाइनेंशियल अकाउंट्स. लेकिन इसके पैरेलल अब अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे पास एक और सेट ऑफ बुक्स है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट बुक्स, कॉस्ट अकाउंट्स, क्लियर है जी? अब इसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई प्रॉपर. अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स की बात करें तो उन्होंने कहा हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, दो तरह के सिस्टम्स हैं. सर कौन सी दो तरह के सिस्टम्स हैं? हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स हैं. वन इज इंटीग्रेटेड बुक्स, जो हमने कॉस्ट बुक्स मेंटेन करनी है, एक हमारे पास है इंटीग्रेटेड बुक्स और एक हमारे पास है नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स. सर अब ये इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स क्या है? जो इंटीग्रेटेड बुक्स हैं वहां पर जो कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, राइट, आर प्रिपेयर्ड टुगेदर, together in one set of books. इसका मतलब है कि अगर integrated accounts की बात करें तो वो कहता है कि यहां पर हम cost जो records है, जो cost accounting है, जो cost books हैं, वो अलग से maintain नहीं करते. जो costing और financial aspect है हमारा वो एक साथ चलता है, that is integrated, जहां पर cost का separate part नहीं है. जैसे कि मैंने कहा था X Limited, यहाँ पर जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स प्लस कॉस्ट अकाउंट्स दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं. अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी रहेंगी तो इसको हम क्या नाम दिया हमने, इंटीग्रेटेड बुक्स. दैट इज कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स आर इंटीग्रेटेड, दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट? अब सर नॉन इंटीग्रेटेड का क्या मीनिंग है फिर? नॉन इंटीग्रेटेड का मीनिंग है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज प्रिपेयर्ड फॉर कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, राइट? अब अगर नॉन इंटीग्रेटेड की बात करें तो सर यहां पर हमारे पास
कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अलग से बुक्स रखी जाएंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग से बुक रखी जाएंगी, राइट अब अगर इसमें बात करें ना नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स में, तो एक्चुअल में होता क्या है, देर आर टू डिपार्टमेंट्स. तो क्या करते हैं वो, दो डिपार्टमेंट्स बना देते हैं एक, राइट कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, एक हमारे पास होता है कॉस्ट डिपार्टमेंट, राइट और एक होता है हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट. सर अब अगर एग्जांपल लेते हैं मटेरियल की, राइट अब मटेरियल फैक्ट्री में आया, उसकी जो कॉस्टिंग करनी है उस मटेरियल की, वो जिम्मेवारी किसकी है, कॉस्ट डिपार्टमेंट में, कॉस्ट डिपार्टमेंट की, राइट आपने 1,00,000 का मटेरियल मंगवाया, तो उसकी जो प्रॉपर कॉस्टिंग करनी है कि हमारे पास परचेज प्राइस क्या थी, उसमें हमने कार्टेज इन्वर्ट भी ऐड करनी है, सर उसमें और भी कोई एक्सपेंसेस हैं हमारे वो भी ऐड करने हैं, इंश्योरेंस है वो भी ऐड करनी है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर काम क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है उसको पैसे देना, बिल अप्रूव करना कि ठीक है जी हमने इतने का ये सामान मंगवाया था, आ गया बिल अप्रूव किया, 1,00,000 की पेमेंट कर दी, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम खत्म. कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, उसने प्रॉपर कॉस्टिंग करनी है मटेरियल की, जो हमारे पास मटेरियल आया है, राइट क्या वो सही कॉस्टिंग है, राइट उसमें हमारी परचेज प्राइस है, उसमें हमारी कार्टेज इन्वर्ट है, तो सब कुछ क्या हमारा एक प्रॉपर वो उसमें बुक्स मेंटेन करेंगे. सर वो बुक्स क्यों मेंटेन करेंगे, सर वो अल्टीमेटली जो बुक्स है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ही काम आएंगी, वो जो बुक्स हैं किसके काम आएंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के काम आएंगी. एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल बुक्स, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर बैलेंस शीट, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां पर जब आपने कॉस्टिंग की फिगर्स लेनी है मटेरियल की, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर लेनी है, ओपनिंग स्टॉक की फिगर लेनी है, परचेजेस की फिगर लेनी है, सेल्स की फिगर लेनी है, तो वो कहां से आएगी, सर वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से आएगी. क्लियर है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं अलोंग विद द इंटीग्रेटेड बुक्स. तो कई कंपनीज इंटीग्रेटेड बुक्स रखती हैं, जहां पर वो कहते हैं कि हमारा कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो सेम है. क्लियर है, वहां पर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं मेंटेन किए जाते, लेकिन जो नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स हैं वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग से बुक्स मेंटेन की जाएंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग से बुक्स मेंटेन की जाएंगी, राइट लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर हम बात करें, तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करने हैं, जो हमें इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करनी है, तो वहाँ पर सब चीज़ें क्या यूज़ होंगी, फाइनेंशियल अकाउंट्स यूज़ होंगे हमारे, राइट वहाँ पर कॉस्ट अकाउंट्स नहीं आप सबमिट कर सकते. वहाँ पर बुक्स कौन सी सबमिट होंगी, फाइनेंशियल बुक्स सबमिट होंगी आपकी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस सबमिट होगा, आपकी बैलेंस शीट सबमिट होगी. क्लियर है जी. तो सर उसके लिए क्या करें, अगर दो डिपार्टमेंट्स हैं तो दोनों डिपार्टमेंट्स में आपको क्या करना है, अगर अब दो डिपार्टमेंट्स की बात करें, एक तो हमारे पास होगी अब कॉस्ट बुक्स, राइट अब दूसरी ये मेरे पास होगी फाइनेंशियल बुक्स. लेकिन अगर एट द ईयर एंड मैं बात करूं, तो मेरे पास कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास फाइनेंशियल बुक्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटीज़. जो हमने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, जो हमें आगे गवर्नमेंट को सारी डिटेल देनी है, वो किसकी देनी है, हमें फाइनेंशियल बुक्स की देनी है. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी कॉस्ट बुक्स हैं, इसको अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल बुक्स के साथ हम इसको मैच करेंगे. इसको हम बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन, इसको हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. क्लियर है जी. तो ये किस केस में होगा, ये रिकंसिलिएशन किस केस में होगी, ये सिर्फ होगी कौन से केस में, इंटीग्रेटेड में या नॉन इंटीग्रेटेड में, सर ये सिर्फ होगी नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स के केस में, नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स के केस में, दैट इज जहां पर हमारा कॉस्ट डिपार्टमेंट अलग है, कॉस्ट बुक्स अलग से मेंटेन हो रही हैं और हमारी फाइनेंशियल बुक्स जो है वो अलग से मेंटेन हो रही हैं. वहां पर हम क्या करेंगे, हम अल्टीमेटली रिकंसिलिएशन करेंगे कॉस्ट बुक्स की और फाइनेंशियल अकाउंट्स की. इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास एक मटेरियल आया,
राइट एग्जांपल लेते हैं एक छोटी सी. मेरे पास एक मटेरियल एक्स आया राइट. अब ये मटेरियल एक्स जो है वो दो डिपार्टमेंट्स में इसके रिलेटेड होगा. एक तो होगा हमारे पास कॉस्ट डिपार्टमेंट में, इसकी जो मटेरियल एक्स का जो क्या कहेंगे हम परचेज बिल है वो दो डिपार्टमेंट्स में जाएगा. एक तो कॉस्ट डिपार्टमेंट में जाएगा और एक जाएगा परचेज डिपार्टमेंट में. ठीक है जी. अब क्या हुआ, कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास गया, उन्होंने कहा कि जो हमारी परचेज प्राइस थी वो थी 1,00,000 रुपए की. ठीक है जी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी को उसकी परचेज प्राइस मान लिया. लेकिन जब परचेज डिपार्टमेंट ने किया, उन्होंने कहा परचेज प्राइस थी सर 1,00,000 की राइट. उस पर क्या लगी थी, कार्टेज लगी थी सर 10,000 की. तो मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल क्या आई थी, 1,10,000 राइट. अब जब ईयर एंड आया, ईयर एंड में तो ये परचेज डिपार्टमेंट ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि हमें फाइनेंशियल बुक्स ध्यान से मेंटेन करनी है. अब जब इन दोनों ने, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट है, उन्होंने आपस में बैठ के अब कॉस्ट को मिलाना शुरू किया. अब यहाँ पर आकर उनकी लड़ाई शुरू हो गई. कॉस्ट डिपार्टमेंट ने कहा नहीं सर 1,00,000 लेंगे. परचेज डिपार्टमेंट ने कहा नहीं सर 1,10,000 लेंगे. अब जब लड़ाई शुरू होगी तो उस लड़ाई का हल भी निकालना है राइट. उस लड़ाई का हल करने के लिए उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स करेंगे सर. उन दोनों के बीच में हम सुलह करवाएंगे, हम उनके बीच में रिकन्सिलेशन करवाएंगे राइट. तो जो भी फैक्टर्स हैं, अगर कॉस्ट डिपार्टमेंट के एंड पे गलत हैं तो उसको उस अकॉर्डिंगली हम करेक्ट करेंगे. अगर परचेज डिपार्टमेंट के एंड पे हैं तो हम उसको अकॉर्डिंगली करेक्ट करेंगे. तो बेसिकली क्या करना है हमें, बेसिकली तो एक राइट फॉर्मूला पर पहुंचना है, एक राइट वे पर पहुंचना है कि राइट क्या था और रॉन्ग क्या था, उसके बीच में आइडेंटिफाई करके उसमें रेक्टिफिकेशंस करनी है बेसिकली राइट. रेक्टिफाई करके कॉस्ट डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है और परचेज डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो हमारी सेम आनी चाहिए. दैट शुड रिकंसाइल विद ईच अदर. क्लियर है जी राइट. तो अब यही फंडामेंटल है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. इसमें अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं. अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हमारे पास मेजरली तीन चीज़ें आएंगी पढ़ने वाली. सर कौन कौन सी तीन चीज़ें आएंगी पढ़ने वाली, एक हम पढ़ेंगे नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स, कि जो नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स हैं वो कैसे मेंटेन की जाती हैं राइट. इसमें भी हम जो मेजरली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉस्ट बुक्स राइट. फाइनेंशियल बुक्स आप सबको पता है, कॉस्ट बुक्स हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट बुक्स कैसे पढ़ेंगे हम इसमें राइट. फिर दूसरी चीज़ हम बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जो कि है इंटीग्रेटेड बुक्स पे. इंटीग्रेटेड बुक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है. फिर एक हमारे पास तीसरी चीज़ आएगी कि अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड की बात करें तो उसमें हमें रिकन्सिलिएशन कैसे करनी है, रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स राइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तीन चीज़ें जो कि इंटरलिंक्ड है, इसका मैंने अभी बेसिक समझाया कि इंटीग्रेटेड बुक्स क्या हैं, नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स क्या हैं, कि हम कॉस्ट बुक्स अलग से क्यों मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल बुक्स अलग से मेंटेन क्यों की जाती हैं, और अल्टीमेटली जो है वो कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स हमारी मैच होनी चाहिए. जो कॉस्ट बुक्स में वैल्यू बोल रही है हमारे मटेरियल की, वही वैल्यू हमारी परचेज बुक्स में, दैट इज़ द फाइनेंशियल बुक्स में हमारी वही वैल्यू बोलनी चाहिए. अगर वो नहीं बोलती तो इसका मतलब है उन दोनों में कहीं ना कहीं गलती है, चाहे वो कॉस्ट बुक्स में गलती है चाहे वो फाइनेंशियल बुक्स में गलती है हमारी राइट. अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, अल्टीमेटली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल बुक्स, दैट इज टू बी रिप्रेजेंटेड अमंग इन फ्रंट ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज. क्लियर है जी. तो हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, जिसमें हमारे पास है इंटीग्रेटेड सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स और द बुक्स राइट. सो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स, बिकॉज दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इंटीग्रेटेड में कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, और ये दोनों कंप्लीट करने के बाद ही हम रिकन्सिलेशन पे जाएंगे राइट. तो नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स. क्लियर.
So if you have any queries, you can send me an email at ksjteaching@gmail.com. Right? So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.